हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको ऐसे कौन कौन से काम है जो नहीं करने चाहिए। चलिए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन कौन से काम है जो आपको ट्विंस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो काम है वो है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी कोई भी वजन नहीं उठाना चाहिए। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आप फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक कोई भी वेट ना उठाएं। आप ऐसा ना सोचें कि मेरा स्टार्टिंग के मंथ चल रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ, तो कोई बात नहीं हम उठा लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग के मंथ में भी बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है और जो है बाद में भी वजन नहीं उठाना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि वजन उठाने से क्या होता है कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान वजन उठाते हैं तो हमारा जो प्रेशर होता है पूरा हमारा पेट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो हमारा गर्भाशय होता है वो नीचे की ओर खसकने लगता है और इससे आपको भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और प्लस बच्चे को भी बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी वजन नहीं उठाना है, ठीक है। और दूसरा जो काम है वो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको कोई भी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसमें आप वेट वगैरह उठा के एक्सरसाइज करते हैं। और आपको अगर प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करनी है तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिनको आप करने में काफी ज्यादा कम्फर्टेबल हो, ठीक है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो तीसरा काम है वो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान खड़े होके खाना वगैरह या कुछ भी नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, हाँ, स्टार्टिंग के मंथ में तो आप बना सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ जो होता है, लेकिन जब हमारा आगे टाइम बढ़ता है 4 मंथ से लेके 9 मंथ तक, तो होता क्या है कि इस दौरान ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट जो होता है बहुत ज्यादा ही बढ़ता है, ठीक है। और हमारे जो है पूरी प्रेगनेंसी कमर में और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है। और अगर आप इस दौरान खड़े होके बनाती हैं खाना वगैरह तो आपके और ज्यादा कमर में पेन होगा और आपके पैरों में सूजन भी आएगी काफी ज्यादा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना ज्यादा देर तक खड़े होके नहीं बनाना है। आप कोशिश करें कि आप बैठ के बनाएं। और अगर आप फिर भी बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसा कर सकती हैं कि अगर आप खाना बना रही हैं तो आप वहां पे एक चेयर रखें, ठीक है, और आप बीच बीच में आराम करती रहें, आराम से बनाते रहें, ठीक है। आपको लगातार 1 से 2 घंटे नहीं खड़े होना है। फ्रेंड्स, आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। जब हम खड़े होते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम बाद में लेटने जाते हैं बैठने जाते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और जो चौथा काम है वो ये है कि अगर आप ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान जीना वगैरह चढ़ती हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड में जीना नहीं चढ़ना है। फ्रेंड्स, या आपके स्टार्टिंग के मंथ हो या फिर आपका लास्ट का मंथ हो, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको जीना वगैरह बहुत ज्यादा नहीं चढ़ना है। और अगर आप फिर भी चढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आराम से चढ़ना है, बहुत ही ज्यादा आराम से उतरना है, ठीक है, स्टार्टिंग के मंथ में भी और जो हमारे लास्ट के मंथ होते हैं उनमें भी। आपको ये नहीं सोचना है कि स्टार्टिंग के मंथ है तो हम कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और पांचवा काम जो है जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान ट्रेवलिंग जो है बिल्कुल भी इग्नोर करनी है। आप कोशिश करें आपको बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी हो तभी आप ट्रेवल करें, अदरवाइज आप ट्रेवल बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमें वैसे ही बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होता है, अगर हम इस दौरान ट्रेवलिंग करते हैं तो होता क्या है कि कहीं कहीं पे रोड वगैरह बहुत ज्यादा खराब होते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपका खुद का भी वाहन है तब भी आप कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ट्रेवलिंग जहां तक हो सके अवॉइड करें, ठीक है। आप अगर जाते भी हैं तो पास में ही जाएं, बहुत ज्यादा दूर की ट्रेवल ना करें फ्रेंड्स, और फिर आप प्रेगनेंसी के बाद में आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और आपको छठवां काम जो है वो नहीं करना है वो ये है कि अगर आपका जो है प्रेगनेंसी के दौरान आपका 6 मंथ से लेकर अगर 9 मंथ चल रहा है तो आपको अगर कोई भी चीज नीचे गिर जाती है तो आपको उसको डायरेक्ट झुक के नहीं उठाना है, बल्कि आपको पहले घुटनों के बल बैठना है, उसके बाद ही आप उठाएं, ठीक है। और अगर कोई हो आपके आसपास तो आप उसकी हेल्प ले लें, अगर नहीं है तो आपको इसी तरीके से उठाना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया।
और आपको सातवां काम जो है जो नहीं करना है फ्रेंड्स, ट्विंस प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के टाइम पे तो हम झाड़ू और पोछा आराम से कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हमारा सिक्स सेवेंथ और एट्थ नाइन मंथ हमारा जब चलता है तो हमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है ट्विंस प्रेगनेंसी में पेट जो है सिंगल प्रेगनेंसी की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यहाँ पे लेडीज जो सबसे ज्यादा बड़ी गलती करती है वो ये करती है कि उनको ये बोला जाता है कि आप झाड़ू पोछा जो है घुटनों के बल बैठ के करिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो वो करती क्या है कि नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में उनका पेट पे इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है, वो फिर भी उकरू बैठ के ही पोछा लगाती हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप जो है सिक्स सेवन एट नाइन मंथ में अगर आप कंफर्टेबल है उकरू बैठ के पोछा लगाने में तभी आप लगाएं या झाड़ू लगाने में, अदरवाइज आप झाड़ू खड़े होके लगा लें। नहीं तो फिर आजकल जो ऑनलाइन आते हैं जो जिनसे हम खड़े होके पोछा लगा सकते हैं, आप उनको मंगा लीजिए। अगर आपको बैठ के लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें फ्रेंड्स। आपको अपने पेट पे इतना प्रेशर और दबाव नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप अपना पेट दबा के रखेंगे तो इससे सिर्फ आपको दिक्कत नहीं होती बल्कि जो पेट के अंदर बेबी है उसको भी दिक्कत होती है। तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ये चीज भी विशेष ध्यान रखनी है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आपसे कोई कितना भी बोले, आप सिर्फ वही काम करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। और आपको आठवां काम है जो नहीं करना है वो ये है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी जगह की कोई भी ऐसी साफ सफाई नहीं करनी है जहां पे बहुत दिनों से काफी ज्यादा डस्ट हो रही हो, काफी ज्यादा धूल जम रही हो, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई भी जगह साफ नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान सफाई वगैरह ऐसी करते हैं बहुत ही ज्यादा गंदी जगह को, तो जो धूल वगैरह जो डस्ट होती है वो हमारी नाक के द्वारा जो है अंदर चली जाती है और इससे हमारे बेबी को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो आपको ऐसी गंदगी से बच के रहना है। और आपको पूरी प्रेगनेंसी जो है एक बात का और ध्यान रखना है, वन मंथ से लेके नाइन मंथ तक आप पूरी प्रेगनेंसी जब भी टहलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं टहलना है, आपको जब भी टहलना है आराम से ही टहलना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो है ट्विंस प्रेगनेंसी के दौरान शुरू से लेके जब तक आपकी प्रेगनेंसी है तब तक आपको जो है बाथरूम वगैरह में जो लैट्रिन की जो सीट होती है आपको वो बिल्कुल भी साफ नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें जो हार्पिक वगैरह होते हैं उसमें हार्ड केमिकल होता है जो कि बहुत ज्यादा उस समय नुकसानदायक होता है। और लैट्रिन में जो जम्स वगैरह पाए जाते हैं अगर आप उस समय सफाई करती हैं तो वो जो जम्स है वो हमारी नाक के द्वारा हमारे जो है अंदर चले जाते हैं, जिससे कि मैंने आपको बताया बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो आपको ये चीज भी अवॉइड करनी है, ठीक है। बस ये कुछ काम थे जो आपको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करने हैं। और अगर हाँ आपके मन में इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।